हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वेरी फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, उन्होंने दिया साइन 18 ओवर कॉस 72। अब हमने पढ़ा हुआ है बेटा, यहां पर हमने पढ़ी हुई है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यू, बट यहां पर 18 है और यहां पर 72। तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी है और एग्जांपल्स देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल्स को चेंज करना आता है। ठीक है, तो बेटा अब हम चेंज करते हैं इसको। अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कराया था, आप चाहें तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या आप चाहें तो कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते हैं, जो आपका मन करे। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, साइन होता है किसमें? कॉस में चेंज, और कॉस किसमें चेंज होता है? साइन। ठीक है, तो बेटा चलो साइन को कॉस में चेंज करते हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और बेटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जरा देखिए, ऊपर साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा का बेटा फॉर्मूला क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन बेटा यहां पे थीटा कितना दिया हुआ है? 18 डिग्री। तो यहां पर भी कितना होगा? 18 डिग्री। सो साइन 18 कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 18, और नीचे तो बेटा कॉस 72 है ही। आप चाहें तो बेटा यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, 90 में से जो आप 18 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 72। और नीचे तो बेटा कॉस 72 है ही, ये बेटा दोनों कैंसिल आउट और आंसर कितना आ गया? 1। वेरी इजी। सो बेटा नोट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज tan 26 ओवर cot 64। अगर आप दोनों को देखो ऐड करोगे तो आंसर 90 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है बेटा? टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और बेटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। जरूरी नहीं बेटा आप हमेशा ऊपर वाले को ही चेंज करें, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने ऊपर चेंज किया था, चलो इस बार हम नीचे से चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हमें क्या दिया हुआ? cot थीटा दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? 64। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा, और बेटा थीटा कितना है? 64। सो दिस कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 64। ठीक है, अब बेटा आप इसको माइनस कर दीजिए, दोबारा से फॉर्मूला मतलब आ जाए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा जो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा कितना? tan 26। अभी भी बेटा आंसर कितना आ रहा है? 1। तो अब आपके एक चीज माइंड में आ रही होगी, क्या आंसर हमेशा वन आएगा? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक कोई नंबर ऊपर दिया हुआ एक नीचे तो ज्यादातर ज्यादा करके आखिर वन ही आएगा ऑब्वियसली कट होकर। लेकिन बेटा अगर प्लस में माइनस में दिए हुए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मे भी कुछ और आंसर आया। अगर सपोज यहां पर 2 tan 26 होता तो देखिए इससे ये तो कट जाता, लेकिन 2 तो फिर भी रह जाता ना, तब आंसर 2 आता। ठीक है, तो नोट कीजिए आप जल्दी से। तो बेटा देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। मैंने यहां पर बेटा साइड में सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं, बिकॉज बार बार लिखने पड़ रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं जरा। cos 45 माइनस साइन 45। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बेटा cos को साइन में चेंज कर दो या साइन को cos में चेंज कर दो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो बेटा मैं इसको चेंज करने वाला हूं। बेटा cos 48 का क्या मतलब है? cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा। तो ये है बेटा cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या?
साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 48, फिर बीच में क्या है माइनस और फिर साइन 42, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, साइन 42 माइनस साइन 42, बेटा 42 में से 42 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा जीरो। तो बेटा एक चीज और क्लियर होगी कि जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा वन आए, जीरो भी आ सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो बेटा देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही केस है जो अभी आपने किया है, बिल्कुल वही। अब आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और इसको दोबारा से करके देखिए खुद से, ठीक है, और आई होप कि आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे। हो गया, चलिए देखते हैं। अब आप मैच कीजिए अपना सॉल्यूशन, अब यहां से देखते हैं बता देता हूं आंसर जीरो आने वाला है। तो बेटा देखो इधर, अब हमें क्या दिया cos थीटा, चलो इसको इस बार इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया sec थीटा इस तरफ, ये तो आप एज इट इज लिख दीजिए cosec 31 sec थीटा बेटा कितना दिया हुआ है cosec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस और थीटा, थीटा कितना बेटा 59, तो सॉल्व करते हैं इसको जरा, cosec 31 माइनस इनको माइनस करेंगे 90 माइनस 59 आंसर विल बी cosec 31 आंसर विल बी जीरो। दोबारा से बेटा आंसर क्या आ गया जीरो, ठीक है। बहुत ही इजी है बट इनको इजी समझकर छोड़ना नहीं, बिकॉज यही चीजें आपको जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां पर काम आते हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। तो बेटा देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। वो कह रहे हैं बेटा शो दैट टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67 is equals to 1, ये हमें बेटा शो करना है। तो शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के एक को दिखाना होता है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के एक को दिखाना होता है। तो बेटा क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 10 48 10 23 10 42 10 67, एंजॉय करके बेटा पढ़ो, एंजॉय करके। इसको माइंड में प्रेशर डालते हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री है या फिर कोई और चैप्टर, तो दिमाग में फिर मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं होगा क्वेश्चन नेक्स्ट को मूव करो वरना वीडियो देखो, है ना। तो देखो बेटा, अब बेटा देखो इसमें रिलेशन किस किस में है, इन दोनों में रिलेशन है और इन दोनों में रिलेशन है ना। कैसे पता चला मुझे, देखो इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे 48 और 42 को 90 आ रहा है आंसर, है ना, और यहां पर 23 और 67 को करेंगे तब। तो अगर मैं इन दोनों को कॉट में चेंज कर दूं, किसमें चेंज कर दूं, टेन किसमें चेंज होता है कॉट में, तो अगर मैं इसको कॉट में चेंज कर दूं और कॉट को बेटा मैं लिख सकता हूं 1/10 थीटा, तो बेटा देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाले 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूं, इन दो को इसको इसके लिए और इसके लिए कॉर्ड में चेंज करने वाला हूं, ठीक है। अभी शायद ये बात आपको समझ में ना आई हो, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो समझाना ये चाह रहा हूं बेटा, इसको और इसको ऐड करूंगा तो 90 आएगा, तो इन दोनों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक को नहीं कॉर्ड में चेंज कर रहा हूं और यहां पर भी एक को कॉर्ड में चेंज। तो देखो जरा बेटे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा, और थीटा बेटा कितना 48। इज tan थीटा का फॉर्मूला बेटा cot 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना 23। इसको हटा देंगे, अब देखो इन दो को हमने चेंज कर लिया है, इन दो को एज इट, सिर्फ दो को चेंज करना है, बाकी बेटा कुछ चीजें हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
cot 90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस करेंगे आंसर आएगा cot 42, 90 में से 23 माइनस करेंगे आंसर आएगा 67। अब देखिए इधर cot को किसमें चेंज कर लो बेटा 10 में, और यहां पर भी 10 भाई। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 थीटा, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में जाइए जिसमें मैंने टेबल कराई हुई है उसमें ये सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/10 थीटा। ठीक है, कैसे, क्योंकि बेटा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/10 थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 42, तो 1/10 42। ठीक है, यहां पर tan 42 इंटू tan 67। अब देखिए जरा tan 42 से tan 42 यहां पर समझा रहा था ना मैं, कट जाएगा 10 से 10 और यहां पर भी 67 से 67 विच इज इक्वल्स टू 1। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इजी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट करके बताइए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हां जी बच्चों, तो देखते हैं बेटा अपना सेकंड पार्ट, लिखा हुआ है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर देखिए जरा बेटा cos 52 यहां पर है और cos 38 यहां पर, मतलब ये दोनों cos के हैं और ये दोनों sin के हैं और हमें शो क्या करना है कि ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अच्छा एक बात बताओ, दो चीजों को माइनस करके जीरो कब आ सकता है आंसर? ऑब्वियसली जब वो दोनों चीजें क्या हो, सेम हो या इक्वल हो। ऑब्वियसली भाई 2 - 2 ही क्या हो सकता है, जीरो, जब दोनों चीजें सेम होगी। लेकिन बेटा यहां पर ये दोनों चीजें सेम नहीं है, cos cos है और sin sin है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए, यहां पर cos 38 है और यहां पर sin 38 है। अगर बेटा यहां पर भी cos 38 हो तो मजा आ जाए, है ना, क्योंकि या फिर आप इसको sin में चेंज कर लीजिए। यहां पर देखिए sin 38 है, यहां पर cos 38 है, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं इन दो को चेंज कर रहा हूं। कैसे, cos थीटा बेटा फॉर्मूला क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, और यहां पर बेटा क्या हो जाएगा cos थीटा इसके इक्वल हो जाएगा बेटा sin 90 माइनस थीटा, और ये बेटा एज इट इज sin 38 sin 52। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करते हैं, sin 58 माइनस 38 कितना हो जाएगा sin 52, और सॉरी cos थीटा किसके इक्वल था sin 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना है बेटा यहां पर 52, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा कितना sin 38, और आगे क्या है sin 38 sin 52। अब देखिए इधर यहां पर भी sin 38 और यहां पर भी sin 52, तो एक्चुअली क्या है ये दोनों सेम है। जैसे मैं इनको बेटा आगे पीछे चलो लिख देता हूं समझाने के लिए, इसको मैं पहले लिख रहा हूं और इसको बाद में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे हो सकते हैं। यहां पर sin 38 और sin 52, देखिए दोनों सेम नजर आ रहे होंगे, sin 38 sin 52 बीच में क्या है माइनस, तो कैंसिल आउट होकर बेटा क्या आ जाएगा जीरो इज द आंसर। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इजी है। तो बेटा इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इजी से क्वेश्चंस हैं।
cos the uniform theta. तो बेटा आप करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और बेटा जरा आप जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। लिखा हुआ है इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बेसिकली बेटा हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बेटा tan थीटा को मैं किस में चेंज कर सकता हूं, cot में चेंज कर सकता हूं। तो अगर tan cot में आ गया तो cot से cot बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट और एंगल की वैल्यू सॉल्व हो सकती है। तो देखते हैं जरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा, इस बार थीटा क्या है बेटा 2a, तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब देखिएगा कॉर्ड से कॉर्ड बेटा कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन बेटा हम कैंसिल आउट नहीं करते, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे काट के नहीं दिखाना आपको, ठीक है, या तो पूरा कट रहा हो। अब देखिए अगर बेटा आप कहने का मतलब ये है दोनों वैल्यूज अगर इक्वल है और ये दोनों कॉर्ड है तो ऑब्वियसली बेटा एंगल की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कॉर्ड और कॉर्ड को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 18 को इधर लेकर आएंगे और 2a को उधर लेकर जाइए, तो 19 माइनस सॉरी ये माइनस कह दिया जाकर प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, कोई आपत्ति नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, 108 इज इक्वल टू 3a, a मल्टीप्लाई हो गया उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 9 और 3 6 18। तो इसका मतलब ये है बेटा कि a की वैल्यू कितनी आ गई 36 18। सो दिस इज आवर आंसर। इजी से क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एग्जाम में अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही होगा, वहां पर बहुत रेयर होगा कि आपको 48 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाए, वो आपको ऐसा देंगे 2a 90 माइनस दिस एंड सो ऑन, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डेटा। जल्दी से बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए बेटा tan a इज इक्वल टू cot b, tan को बेटा हम इसमें चेंज कर सकते हैं cot में, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, और थीटा बेटा कितना है a, तो यहां पर क्या जाएगा cot b। देखिए cot से cot क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर आएगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b, इसको उधर लेकर जाइए तो 90 ये माइनस में उधर जाकर प्लस a प्लस b, इसको ऐसे लिखो या a प्लस b इज इक्वल टू 90, बात बेटा एक ही है, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया वेरी इजी, ठीक है, नोट इट डाउन। देखते हैं जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th। देखिए बेटा जल्दी से एक बार अपनी स्क्रीन पे, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐसा बेटा सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखते हैं जल्दी से बेटा हम sec को किस में चेंज कर सकते हैं, cosec में। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा cosec 90 माइनस थीटा, और बेटा थीटा इस बार क्या है यहां पर 4a, ठीक है। तो बेटा sec को हम कैसे लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा क्या बेटा 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो बेटा देखिए cosec से cosec क्या हो गया, कैंसिल आउट, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। अब देखिए इधर 20 को इधर लेकर जाएगा, 4a को उधर, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a, ऐड कीजिए 110 इज इक्वल टू 5a, ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाकर क्या होगा डिवाइड,
बेटा a की वैल्यू क्या आ गई, 5 2 10 और 5 2 10, ठीक है, इसे कैंसिल आउट करोगे, डिवाइड करोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए और लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 का सॉरी 3 का क्वेश्चन नंबर 6 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब कि अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ लीजिए। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट साइन बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 2। बेटा ये हमें शो करना है और उन्होंने क्या बोला है, ए बी और सी क्या है, ए किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों एंगल्स, ये जो तीनों एंगल्स है ना इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ऑब्वियसली बेटा एंगल ए इफ A, B and C are the interior angles of triangle ABC, then क्या होगा बेटा, A plus B plus C is equals to 180 होगा या नहीं होगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, किससे होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप बेटा ऐसे शॉर्ट में ना लिखें, इसको प्रॉपरली लिखें, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, हमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए बी और सी और ए हमें चाहिए किस तरफ, राइट हैंड साइड में, तो मैं क्या कर रहा हूं, बी प्लस सी को यहीं पर छोड़ रहा हूं और इस ए को उधर लेकर जा, ठीक है। अब बेटा मुझे बी प्लस सी के डिनोमिनेटर में जरूरत है 2 की, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन इक्वेशन बाय 2, तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 माइनस ए, यही होगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे, सॉरी इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 90, तो बेटा यहां पर आएगा बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए ओवर 2, ठीक है। अब जरा देखिए इधर साइड में बता रहा हूं, चलो ऐसा करो आप इसको नोट करो जल्दी से, मैं इसके आगे फर्दर सॉल्व कराता हूं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे स्पेस कम है, मैं वो करा दूं, चलिए ठीक है, कोई इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो बेटा यहां तक हम पहुंच गए थे, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, देखिए क्यों, क्योंकि बेटा ए बी प्लस सी ओवर 2 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, आगे क्या है साइन, तो अगर मैं यहां पे साइन ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड का तो काम चल जाएगा और आगे आएगा साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बेटा यहां पर देखिए इसके आगे मैं क्या ले रहा हूं, साइन बी प्लस सी, क्यों, क्योंकि मैंने लिख दिया टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी मैंने साइन ले लिया और इस तरफ भी साइन ले लिया, इजी। अब देखिए ये तो बेटा एज इट इज और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा बेटा क्या है, ए ओवर, हैंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और आराम से दोबारा से देखिए, ठीक है, सो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और जल्दी से स्क्रीन में जो आपके क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़ लीजिए। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 टू 45, तो इनको बेटा हमें क्या करना है,
जीरो से 45 के बीच में कन्वर्ट कर। ये जो बेटा 67 और 75 आ रहे ना, इनको हमें चेंज करना है जीरो से 45 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो क्या करें हम बेटा, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा बेटा कितना 67 प्लस कॉस थीटा कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा बेटा कितना है 75। माइनस कीजिए कॉस 90 में से ये माइनस करेंगे बेटा 3 और 2 23, यहां पर बेटा माइनस करेंगे क्या जाएगा साइन 15। तो अब आप देखिए दोनों एंगल्स की वैल्यू 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और ये वाला क्वेश्चन भी। बेटा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेटा बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स जो मैथ्स में वीक हैं या कजन्स उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।